नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे पास कल कमेंट आ रहा था कि भाई हमें अपडेट नहीं आया है प्ले स्टोर के अंदर, हम कैसे अपडेट पा सकते हैं। तो मेरे भाई आज मैं आपको दो बेहतरीन सी ट्रिक बताऊंगा जो दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। एक तो आपको करना है, एक किसी और को करना है, तो दोनों देख लेना कैसे यूज करना है। ये चीज बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई। तो अगर आप इसको देख लेते हैं मेरे भाई, तो उम्मीद है कि 101% आपके फोन में अपडेट 5 से 6 घंटे के बाद आपके पास अपडेट आएगा, खुद चल के आएगा, आपके प्ले स्टोर के अंदर आएगा। आपको बस उसको अपडेट करना है, कौन सी ट्रिक है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में तुम्हारा भाई आज आपको बताएगा। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और सुनना है और समझना है मेरे भाई। तो चलिए फटाफट से इतना काम कर लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि भाई टॉप 10 कमेंट को मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूं, जब तक आपको एक काम करना है कि आपके पास अगर एक जीमेल आईडी ना हो तो आपको एक जीमेल आईडी बना लेनी है। कोई भी जीमेल आईडी आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है भाई, देखो आज शॉर्ट आउट नहीं दे पाऊंगा, लिस्ट साइड में दिखा रहा हूं जिन लोगों ने यार कमेंट किया, दिल खोल के लव यू एंड बहुत बहुत सारा प्यार है मेरे भाई आपके भाई की तरफ से, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहो मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने जीमेल के अंदर, और जीमेल के अंदर जाने के बाद अगर आपने जीमेल में अपनी एक्स्ट्रा कोई जीमेल ऐड कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ऐड कर रखी है तो इस थ्री डॉट पे, सॉरी इस आइकॉन पे जाएंगे जहां पे जीमेल आपके जीमेल का आइकॉन होगा, वहां पे जाने के बाद देखिए इस तरह मेरी बहुत सारी जीमेल ऐड है। लेकिन अगर आपके पास एक ही जीमेल है तो वहां पे एक कोई जीमेल ऐड कर लीजिए कोई भी, ठीक है। और यहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट, इस पे क्लिक करके एक नई जीमेल आप इस पे ऐड कर सकते हैं, और नई जीमेल या गूगल पे क्लिक करके नई जीमेल बना लीजिए या फिर ऐड कर लीजिए किसी दूसरे की। जैसे ही आप नई जीमेल ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको बैक आ जाना है सिंपल सा, और उसके बाद आपको जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर मेरे भाई। प्ले स्टोर में आपको पबजी जैसे, ये देखिए पबजी अभी खुला हुआ है, लेकिन आपको यहां पे जाना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद थ्री डॉट आपको कॉर्नर पे दिख रहे हैं ना, इस पे जाना है और यहाँ पे एरो का निशान दिखेगा, इस पे चले जाना है और आपने जो नई आईडी बनाई है अपने जीमेल के अंदर वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी आईडी है उसको सिलेक्ट कर लेना, उसके अंदर चले जाना, ठीक है। सपोज दैट मैंने मतलब ये वाली अपनी आईडी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इस जैसे इस तरह का इंटरफेस आ जाए, अब यहाँ पे आपको डालना है पबजी लाइट, ठीक है। जैसे पबजी लाइट डालोगे आपके सामने अपडेट का आइकॉन आ जाएगा, सिंपल सा आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, आपका अपडेट अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अपडेट है, मैंने आप लोगों को कल वीडियो में दिखा भी दिया था, अपडेट करके पूरा दिखा दिया था, तो मुझे अपडेट मिल गया था। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट ट्रिक है। अब सेकंड ट्रिक सुनो, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, उसको कैसे यूज करना है चलिए मैं बता देता हूं फटाफट से, उसको भी देख लो जिससे आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो मेरे भाई। दोस्तों दूसरी ट्रिक यूज करने के लिए आपको अपना पबजी मोबाइल लाइट जो उसको ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा। ये देखिए पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर चले जाना होगा। उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस का नीचे आपको लॉग आउट के बगल में ऑप्शंस मिलेगा, इसके अंदर चले जाना है। और जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहां पे आपको साइड में एक ऑप्शंस मिल रहा होगा चैट का, ये देखिए इनबॉक्स जैसा, ठीक है। इसके अंदर चले जाना है, इसके अंदर जैसे चले जाएंगे यहां पे आपको कन्वर्सेशंस का ऑप्शंस मिल जाएगा, न्यू कन्वर्सेशंस पे आप क्लिक करके यहां पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस बात का विशेष याद रखें, आपको अपडेट नहीं आया आप यहां पे बोल सकते हैं, जो भी बात करना इंग्लिश में करना, कोशिश ये करना, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम यहां पे बोल देना, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं माय आईडी मतलब न्यू अपडेट इज नॉट अवेलेबल, आप ऐसे करके बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे, आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए उतना अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको बोल देना, और आपको 5 से 6 घंटे के बाद हो सकता है तुरंत रिप्लाई आ जाए, अगर नहीं आता है तो 5-6 घंटे बाद रिप्लाई आएगा, और उसके बाद आपको वो तुरंत ही बता देंगे कि आपके आईडी पे अपडेट आ चुका है। कल मेरे दोस्तों ने एक दोस्त ने किया था, उसको 6 घंटे बाद उसकी आईडी पे नया अपडेट आ चुका था। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ग्लिच हो रहा हो, उनके आईडी पे ना आया हो, तो आ जाएगा इस ट्रिक से, ठीक है। क्योंकि भाई देखो पबजी बहुत बड़ा गेम है, एक साथ सबके आईडी में अपडेट नहीं मिल पाता है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन लग जाए आपको अपडेट को मिलने में। हां मैं आपको जो इसकी ओबीबी फाइल है वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई मैं कोशिश करूंगा कि ओबीबी फाइल जो है वो आप ना डाउनलोड करें, क्योंकि ओबीबी फाइल डाउनलोड करके यूज करने में कभी कभी नेटवर्क कलेक्शन जो हमें गेम से बीच से बाहर फेंक देता है, इसलिए मैं आप लोगों को ओबीबी फाइल नहीं दे रहा हूं, नहीं तो ओबीबी फाइल भी मैं आप लोगों को दे सकता हूं, ठीक है। आपको बात कैसे करनी, यहां पर आपको क्लिक करना है न्यू कन्वर्सेशन पे, यहां पर मैसेज का आइकॉन हो जाएगा। अब आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप जैसे सेंड कर देंगे, तो यहां से पहली बात तो कंप्यूटर होता है जो आपको रिप्लाई करता है, लेकिन बहुत
केस में ऐसा होता है कि वहां से कस्टमर सर्विस भी मतलब कस्टमर केयर वाले भी आपका रिप्लाई करते हैं। कोशिश ये करना कि आप लोग 10 बजे के बाद ही इनको मैसेज करना दिन में, ठीक है, 10 से 11 बजे के बाद मैसेज करना, जिससे आपका रियल रिप्लाई आए और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है छोटी सी जानकारी को पाने के बाद आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या वीडियो अच्छा लग गया है तो दिल खोल के लाइक और शेयर कर दो। नए वो चैनल पर इंटरेस्टिंग कूल वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप उनका सबसे पहले लाभ उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग कूल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।